मध्य प्रदेश के पलसूद में मरे हुए व्यक्ति को कोरोना वैक्सीन का दूसरा डोज लगा दिया गया। हैरानी की बात तो ये है कि वैक्सीन सर्टिफिकेट का नोटिफिकेशन भी परिजनों के फोन पर आ गया, जिसके बाद परिजनों ने वैक्सीनेशन को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। पलसूद निवासी देवीलाल राठौर को 5 अप्रैल को वैक्सीन का पहला डोज लगाया गया था। उसके बाद अचानक तबीयत बिगड़ने से परिजनों के द्वारा बड़वानी जिला चिकित्सालय में एडमिट कराया गया, जहां पर इलाज के दौरान 9 अप्रैल को उनकी मृत्यु हो गई। वहीं दूसरी ओर मृतक के पुत्र रोहित राठौर के मोबाइल पर 8 महीने बाद 8 दिसंबर को मैसेज आया कि देवीलाल राठौर को दूसरा वैक्सीन का डोज लग चुका है, जिसका परिजनों ने ऑनलाइन सर्टिफिकेट भी निकाला है। मामला यह है कि मेरे पिताजी, जिनकी अप्रैल में मृत्यु हो चुकी है, और उनका पहला टीका 5 अप्रैल को लगाया था और 9 अप्रैल को उनकी मृत्यु हो चुकी है। उसके बाद जैसे कल 8 दिसंबर को उनका दूसरा जो डोज है उसका सर्टिफिकेट मतलब जनरेट हुआ है, मैसेज आया है कि आपका दूसरा डोज कम्प्लीट हो चुका है, कॉन्ग्रेचुलेसन वाला मैसेज आया है। इसको लेकर क्या कहना चाहते हो आप? तो मतलब मृत्यु होने के बाद भी ये दूसरा डोज कैसे कंप्लीट हुआ है, तो ये मतलब एक तरीके से वैक्सीनेशन में लापरवाही नज़र आते ही दिखाई दे रही कि कैसे मृत व्यक्ति का ये जनरेट हो चुका है सेकंड डोज का सर्टिफिकेट। वो उसकी मूल कापी मेरे पास है जो मैंने डाउनलोड की हुई है। यह मामले की जाँच होना चाहिए और जो वैक्सीनेशन आला अधिकारी है उन पर कार्रवाई होना चाहिए। अब देखना यह होगा कि मरने वाले व्यक्ति को दूसरा डोज कैसे लगा। परिजनों का आरोप है कि स्वास्थ्य विभाग में वैक्सीनेशन को लेकर भारी लापरवाही बरती जा रही है। जब इस मामले को लेकर मृदुभाषी न्यूज के प्रतिनिधि द्वारा सवाल उठाया गया तो आला अधिकारियों ने कोई जवाब नहीं दिया। मृदुभाषी के लिए कमलेश सोनी की रिपोर्ट। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।